हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम के 6 बज चुके हैं और आज दिन शनिवार का है। तो मेरे साथ है कार्तिक, और कार्तिक जो है आज करेगा अपने टॉयज की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये मैंने कल लिया था अपना सुपर हीरो बॉक्स, आपने कल देखा था व्लॉग, कल के व्लॉग में। तो जो कल का व्लॉग था उसमें कार्तिक ने ये अवेंजर किट खरीदी थी, जिसमें सारे ही अवेंजर हीरो हैं। सारे तो नहीं हैं, बट मोस्ट ऑफ दी 5 अवेंजर हीरोज इसके अंदर हैं। तो आज हम करेंगे इस अवेंजर किट की अनबॉक्सिंग। और 2 वेपन्स हैं। सो यहाँ पे जो है कार्तिक रेडी है अपने टॉयज के साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो शुरू करें कार्तिक? चलो स्टार्ट करो। तो कार्तिक इसको जो है पहले बॉक्स को ओपन करेगा। तो गाइस, ये पहले बॉक्स को ओपन करना है। चलो अब ओपन करने का टाइम। वैसे इसने ये बॉक्स पहले ही ओपन कर दिया था और इनके साथ खेल भी रहा था, टॉयज के साथ। तो अब जो है कार्तिक बताएगा इनके बारे में। बताओ कार्तिक। ये सुपरमैन है और ये सबको मार सकता है, मगर इन सबको भी मार सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, ये इनमें नहीं रह सकता। और एक चीज देखो, इसकी हेड भी मूव हो सकती है। ओ वाओ, ये देखो पीछे हो गया। तो ये 360 डिग्री मूव कर रहा है। हाँ, ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। वेरी नाइस। और इसके हैंड भी मूव हो सकते हैं। वेरी नाइस, 360 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुपरमैन जो है एक सुपर हीरो है। चलो गाइस, अब इसको रखते हैं। तो नेक्स्ट सुपर हीरो है थोर। थोर का वेपन ये रहा। थोर तो हर चीज को मार सकता है। किस चीज, कौन सा वेपन है ये? ये हैमर है, मगर उसके साथ एक और भी हम वो वेपन होता है। तो अभी इसके साथ वो नहीं है, मगर ये थोर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये इस वाले हल्क को मार सकता है। दिखाओ सही से। इनक्रेडिबल हल्क स्ट्रॉन्गर नहीं होता इससे, इस या तो रेड हल्क या तो क्या ब्लू हल्क इससे स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्रीन हल्क वो ज्यादा एंग्री हो जाते हैं तो उनकी पावर बर्न हो जाती है, इसीलिए यही मार सकता है। मगर अगर रेड हल्क के पास दूसरी पावर आ गई तो हल्क बस्टर को भी मार सकता है या तो हल्क को भी। ग्रीन वेजिटेबल खाता है तो नहीं पता। तो तभी तो ग्रीन होता है, सही तो कह रही है मम्मी। और वो उसका नाम है, सबसे पहले जब वो ग्रीडी हुआ था और एंग्री हुआ था रात को सोने में, तो इसका नाम है ब्रूस बैनर, जो हल्क बना था। अच्छा, तो अब हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका, और कैप्टन अमेरिका का वेपन ये रहा। कैप्टन अमेरिका की शील्ड 100% होती है और आयरन से बनी होती है, जैसे ये आयरन मैन है। और कैप्टन अमेरिका ने ये सूट पहना है, वो भी छोटा है, क्योंकि ये भी टॉय, सारे टॉय जो आपके सामने छोटे दिख रहे हैं सारे टॉय है, मगर ये तो बिग होता है हल्क, या तो ये सारे हल्क से छोटे होते हैं, इतने साइज के होते हैं और वो ऐसे दिखते हैं ऐसे, क्योंकि हल्क सबसे बड़ा हो रहा, हल्क सबसे बड़ा अवेंजर्स होता है अवेंजर्स में। तो कैप्टन अमेरिका तो आयरन मैन को मार सकता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की शील्ड आयरन से बनी है उसका भी, मगर 100% कैप्टन अमेरिका की शील्ड वर्क करती है उसकी शील्ड में, जो आयरन से बनी होती है वो ही वर्क कर,
बहुत बढ़िया, इसको रखते हैं। तो नेक्स्ट सुपर हीरो है आयरन मैन। आयरन मैन भी आयरन का होता है और उसके सूट बहुत सारे होते हैं। अगर किसी ने उसका सूट ले लिया तो उसके पास और भी सूट होते हैं, 10 या तो 11, क्योंकि आयरन मैन या तो उसके सूट इन्फिनिटी वॉर में अलग होते हैं या तो एंड गेम में। इसीलिए आयरन मैन डिफरेंट होता है क्योंकि उसके पास 10 या तो 11 सूट होते हैं आयरन मैन के पास। और आयरन मैन के पास मैं ऐसी नकली पावर बनाता हूँ। एक तो आयरन मैन अपने हैंड से पावर फेंक सकता है या तो अपने यहाँ से पावर फेंक सकता है और या तो अपने आईज से। उसका हेलमेट ऐसे खुल जाता है तो नेक में चल जाता है। और तो कौन होता है आयरन मैन के सूट के अंदर, होता कौन है? टोनी स्टार्क। तो आयरन मैन का नाम है टोनी स्टार्क। और मैं ऐसे नकली पावर बनाता हूँ, तो ज़ूम ऐसे करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। वाव, तो आपको ये पसंद आ रहे हैं? आपने कब कब खेला इनको? कल रात को और आज पूरे दिन में ब्लॉक से नहीं खेला है। अच्छा, तो मतलब आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं? हाँ। तो अब जो है कार्तिक अपने सुपर हीरोज के साथ खेल के दिखाएगा कि वो कैसे खेलता है। तो स्टार्ट करें कार्तिक? ऑफ कोर्स। सबसे पहले थॉर आएगा। तो कैसा लगा आपको कार्तिक का ये गेम,
इसके जो टॉयज हैं वो कैसे लगे आप हमको बताना कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल का व्लॉग भी हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करना। ओके चलो बाय बाय।